हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी सेकंड ईयर की बुक स्टार्ट की थी एडवांस कैलकुलस, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 इंडिटर्मिनेट फॉर्म कर चुके हैं, और हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। इसमें भी हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। चेन रूल डेरिवेटिव के लिए पढ़ा है, डारबॉक्स थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, रोल्स थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड बेस्ड एग्जाम्पल्स। बिल्कुल इजी थ्योरम है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखते हैं हम एक बार क्या है स्टेटमेंट हमारे पास। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी सच दैट, फर्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, सेकेंड है एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी from open interval a comma b such that f of b minus f of a by b minus a is equals to f dash c। जैसे हमारे पास रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन थी, उसकी 2 कंडीशन तो यहीं पे वही सेम है। अब जितनी भी थ्योरम्स आपकी रहेंगी ना, ये 2 कंडीशन तो हर एक में आपको दिखाई देंगे कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। देखो क्या दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन हमें क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन है, और वो फंक्शन हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल पे। अगर ये 2 कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर देता है, तो उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट 1 पॉइंट ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा। कैसे बिलोंग करेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। इसकी भी स्टेटमेंट भी आपको खुद ही याद रखनी है, और प्रूफ भी आपको ही करना है। इसमें जो मेन चीज़ याद रखने की है, एक तो ये फंक्शन की फॉर्म और एक ये कंडीशन, बाकी आगे कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्लो में सीधा सीधा चलता जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, एक फंक्शन एज्यूम किया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को एज्यूम कर लिया, स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। और कैसे एज्यूम किया कि ये ए जो है कॉन्स्टेंट है, और ये हम फाइंड आउट करेंगे। और क्या एज्यूम कर लिया कि ये फंक्शन एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कौन सी कंडीशन, कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ बी। ठीक है, अब कैपिटल एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो हम कैपिटल एफ ऑफ ए निकाल सकते हैं। इससे किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए, और कैपिटल एफ ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इक्वल रख लिया इनको। सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहां से देख के आपको पता चल जाएगा कि हमने यही क्यों एज्यूम किया, क्योंकि हमें यहां तक पहुंचना था किसी भी तरीके से। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। अब एक चीज देखो, ये चीज हमारे पास आ गई, अब हमारा प्रूव करना क्या रह गया, सिर्फ एफ डैश सी आना चाहिए, उसकी जगह क्या आया हुआ, माइनस ए। अब इट मीन्स जो भी हम काम करेंगे, इस माइनस ए की वैल्यू एफ डैश सी लाने के लिए करेंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, ये कंडीशन भी आपको पता चल जाएगी कि ये ही क्यों एज्यूम की। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब देखो, एफ ऑफ एक्स हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो गया, और ए एक्स क्या है, ए कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो इन दोनों का सम भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया, किस पे, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे। अब फिर से एफ ऑफ एक्स हमें कैसा दिया हुआ है स्टेटमेंट में, डेरिवेबल दिया हुआ है ओपन इंटरवल पे, और ए एक्स फिर से क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी डेरिवेबल होगा, ये भी डेरिवेबल, ये भी डेरिवेबल, तो इन दोनों का सम भी कैसा होगा, डेरिवेबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन कैसा हो गया, डेरिवेबल हो गया ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। और थर्ड कंडीशन, ये जो हमने एज्यूम की थी, अब पता चल जाएगा ना कि यही क्यों एज्यूम की थी, क्योंकि रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पर अप्लाई करूं, तो मुझे ये कंडीशन की रिक्वायरमेंट की थी, तो इसलिए मैंने ये एज्यूम कर ली थी। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती थी, कि इंटरवल के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हमारे पास सेम है। अब यहां से क्या आ गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स ने रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब रोल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी फंक्शन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसके लिए एटलीस्ट 1 रियल नंबर सी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए कोमा बी से। कैसे, कि एफ डैश सी हमारा 0 के इक्वल हो जाए, एफ एक्स इसके इक्वल है, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए। और एफ डैश सी को जैसे ही 0 के इक्वल रखा, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ना, माइनस ए किसके इक्वल, एफ डैश सी के इक्वल। हमारा मेन टारगेट क्या था, यही था ना, माइनस ए को एफ डैश सी के इक्वल लेके आना। तो यहां से आ गया माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास प्रूव क्या करना था, यही करना था।
बिल्कुल इजी थ्योरम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पर अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर हो गई होगी ये थ्योरम। अब हम एक बार इसी पे बेस्ड क्रोलरी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम के बाद की क्रोलरी स्टार्ट की थी। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, देन एफ इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। इट क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे जीरो के इक्वल है, तो हमारे पास क्या होगा कि वो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा पूरे इंटरवल पे। हमने क्या किया, दो पॉइंट उठा लिए इस क्लोज इंटरवल ए कोमा बी से, अल्फा को छोटा ले लिया, बीटा को बड़ा ले लिया। अब हमें पता है कि कोई फंक्शन अगर इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है तो उसके सब इंटरवल पे भी डिफरेंशिएबल होगा। सब इंटरवल हमने कौन सा ले लिया, अल्फा कोमा बीटा का। अब ये भी हमें रिजल्ट पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑलवेज इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। अगर ये अल्फा कोमा बीटा के क्लोज्ड इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है एफ, तो इस पे कॉन्टिन्यूस भी होगा। और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हमारे पास क्या कंडीशन थी, यही दो कंडीशन थी कि अगर फंक्शन हमारे पास डेरिवेबल हो और कॉन्टिन्यूस हो, तो हमारे पास क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, वहां क्या होता था, एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए बाय बी माइनस ए। अब टर्मिनल पॉइंट क्या है, बीटा, इनिशियल पॉइंट क्या है इंटरवल का, अल्फा, और ये बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, एफ डैश सी, सी हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अल्फा कोमा बीटा से। अगर सी मेरा बिलोंग कर रहा है अल्फा कोमा बीटा से और ये कहाँ पे कंटेन है, ए कोमा बी इंटरवल में, इसका मतलब सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए कोमा बी इंटरवल पे, और इसके सारे पॉइंट्स पे, इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल है। इट मीन्स सी पे भी जीरो के इक्वल होगी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, तो एफ डैश सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ बीटा के। अब हमारे पास क्या था, दो पॉइंट्स थे अल्फा और बीटा अलग अलग, किसके, इस क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी के। ऐसे ही हम और भी पॉइंट्स उठाए, उन सब पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी। जब इस पूरे इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, सेम आई जा रही है, तो इट मीन्स क्या कह सकते हैं हम कि फंक्शन कैसा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। क्लियर है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्रॉलरी देखो एक बार। इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी एंड हैव इक्वल डेरिवेटिव्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए कोमा बी, देन एफ एंड जी डिफर बाय अ कॉन्स्टेंट। एफ और जी दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, और कैसे दिए हुए हैं, डिफरेंशिएबल दिए हुए हैं किस पे, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी पे। और क्या दिया हुआ है कि एफ के डेरिवेटिव की वैल्यू इन सारे पॉइंट्स पे और जी के डेरिवेटिव की वैल्यू इन सारे पॉइंट्स पे कैसी है, इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि एफ और जी में सिर्फ एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब हमें दिया जो जो हुआ वो हम लिख लेते हैं। डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल दी हुई थी, इट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। हमने क्या मान लिया, हमें ये प्रूव करना है ना कि एफ और जी डिफर बाय अ कॉन्स्टेंट। हमने मान लिया कि एफ और जी का डिफरेंस किसके इक्वल है, फाई ऑफ एक्स के इक्वल है। डेरिवेटिव कर सकते हैं दोनों तरफ, क्या बन जाएगा, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल। अब एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, जीरो। फाई डैश एक्स हमारा जीरो के इक्वल आ गया। अभी हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्लोज्ड इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो फाई फंक्शन कैसा बन गया, कॉन्स्टेंट बन गया। एफ फाई था किसके इक्वल, एफ माइनस जी के इक्वल, एफ माइनस जी कॉन्स्टेंट के इक्वल हो गया। इट मीन्स क्या है इसका मीनिंग, कि एफ और जी डिफर कर रहे हैं किससे, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट का ही इनके अंदर डिफरेंस है। और थर्ड क्रोलरी बिल्कुल सिंपल है, वो आप लोग एक बार खुद पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरवल हमें दिया हुआ 0, 1। आपको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है इस फंक्शन के लिए। फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस है, और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की।
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी से, कैसे बिलोंग करेगा, एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। बी क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ इंटरवल, ए क्या है, इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरवल, इस वाले में ए क्या है जीरो, बी क्या है वन। अब एफ एक्स अगर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, टू माइनस टू एक्स, तो एफ डैश सी क्या बनेगा, टू माइनस टू सी, ठीक है। और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाल लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ जीरो निकालना है, जीरो आ जाएगा, एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ वन निकालना क्या आ जाएगा, वन। इसमें जब हमने पुट किया तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वन बाय टू। क्या ये वन बाय टू वैल्यू इस ओपन इंटरवल जीरो कमा वन से बिलोंग करती है, हाँ करती है, इट मीन्स लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई है। क्लियर होगा सबको, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ, x इंटू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लिया पहले तो इसको, इसके स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हैं। फिर से क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। अब अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल से, कैसे बिलोंग करेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ए हमारे पास क्या है जीरो और बी क्या है फोर। एफ डैश एक्स ये, एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं अगर एफ एक्स ये है तो, एफ डैश एक्स ये है तो एफ डैश सी ये आ जाएगा। सारी वैल्यूज एफ ओ बी एफ ओ ए सब निकाल लिया, इसके अंदर पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। हमारे पास बिलोंग कौन सी करेगी 0.4 इंटरवल से 2.13, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई ना जो बिलोंग कर रही है इस ओपन इंटरवल से, तो हमारे पास लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड सी ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ए दिया हुआ है जीरो, बी दिया हुआ है फोर, इट मीन्स इंटरवल आपका क्या बनेगा 0.4। फिर से सिंप्लीफाई करोगे, पॉलिनोमियल बनेगा, कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। फिर सी एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी, कैसे एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ए हमारे पास जीरो है, बी हमारे पास फोर है, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश सी इसके इक्वल आ जाएगा। सारी वैल्यूज बिल्कुल फॉर्मूले में पुट करनी है, सी हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस, ये दोनों वैल्यू ही आपकी 0 से 4 के बीच में लाई कर जाएंगे। सिंपल है, बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन और वो भी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1/3 इन द इंटरवल माइनस 1, 1। अब इस फंक्शन पे, इस फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, और कैसे एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है माइनस वन से वन के सारे पॉइंट्स पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। इट मींस ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल पे। अब इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करके देखते हैं हम, एक बार डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, डेरिवेटिव ये आ गया। अब हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि डेरिवेटिव को किस जगह प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे ही एक्स जीरो होगा तो ये एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा, तो हम जीरो पे ही इसकी डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाल के देख लिया, फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया, जैसे ही एच जीरो को जाएगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगी वैल्यू, इट मींस इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया। जब कोई भी डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो या राइट हैंड डेरिवेटिव हो, एग्जिस्ट ना करे तो इट मींस फंक्शन आपका कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है जिसपे डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो, तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। इट मींस इसने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, नहीं किया तो इट मींस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इस पे अप्लाई नहीं हो सकती। क्लियर होगा बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन अब हम देखते हैं, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन साइन एक्स इन पाई बाय टू कोमा फाइव पाई बाय टू। फंक्शन हमारे पास है, यहाँ फाइनाइट वैल्यू देते हैं इस पूरे इंटरवल पे, तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस पे हमारे पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। डेरिवेटिव क्या, कॉस एक्स है, वो भी इस पे फाइनाइट वैल्यू देगा इस इंटरवल पे, दोनों कंडीशन होगी सेटिस्फाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। अब हमारे पास क्या होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल से, ओपन इंटरवल कौन सा, पाई बाय टू कोमा फाइव पाई बाय टू से, कैसे एग्जिस्ट करेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ डैश एक्स कॉस एक्स है तो एफ डैश सी कॉस सी, एफ ओ बी मीन्स एफ ओ फाइव पाई बाय टू साइन फाइव पाई बाय टू, इसको कैसे लिख सकते हो, साइन ऑफ
टू पाई प्लस पाई बाय टू, क्या आ जाएगा यहाँ से साइन पाई बाय टू, और वो कितना होता है वन, और यहाँ से एफ ऑफ ए एफ ऑफ पाई बाय टू कितना हो जाएगा साइन पाई बाय टू, वो भी वन, तो हमारे पास ये कॉस सी जीरो आ जाएगा। अब बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कॉस सी जीरो के इक्वल है ना, तो वो वाले पॉइंट हमने सी के लेने हैं जो पाई बाय टू कोमा फाइव पाई फाइव पाई बाय टू के इंटरवल में बिलोंग करें। सी किस किस कॉस सी किस किस पॉइंट पे जीरो होता है, पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, सेवन पाई बाय टू, ऐसे इन सब पे होता है। और हमारा ओपन इंटरवल कौन सा, पाई बाय टू कोमा फाइव पाई बाय टू, इट मीन्स हम ये वैल्यू भी नहीं ले सकते क्योंकि ये इंटरवल में बिलोंग ही नहीं करती, ना ही हम ये ले सकते क्योंकि ये भी बिलोंग नहीं करती। कौन सी बिलोंग करती है, सिर्फ थ्री पाई बाय टू। मतलब हमें एटलीस्ट वन पॉइंट तो ऐसा मिल गया ना जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 1, 2, फाइंड अ पॉइंट सी इन द इंटरवल स्टेटेड बाय मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन हमारे पास क्या है, लॉग एक्स है, 1 से लेकर 2 तक के इंटरवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग एक्स को फाइनाइट वैल्यू देगा हमें, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया। डेरिवेटिव देखो 1/x, इसको प्रॉब्लम किस पे होनी चाहिए, जीरो पे, लेकिन क्या जीरो इस इंटरवल पे बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता, इट मींस इसको इस इंटरवल पे किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फंक्शन कैसा हो गया, डेरिवेबल हो गया ओपन इंटरवल 1, 2 पे, दोनों कंडीशन होगी सेटिस्फाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, तो हमारे पास क्या होगा, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2 सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ए क्या है, इनिशियल पॉइंट यही 1, और बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट 2, और एफ डैश एक्स 1/x था, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 1/c, एफ ऑफ बी मीन्स लॉग 2, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 1 मीन्स लॉग 1, लॉग 1 कितना होता है 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 2 माइनस लॉग 1 इज इक्वल टू 1/c, तो लॉग 1 की वैल्यू 0 पुट कर दी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/log 2, और ये हमारा कहाँ बिलोंग करता है, इस क्लोज इंटरवल 1, 2 पे। क्लियर होगा स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इनमें, बस दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, आगे पुट करते जाओ वैल्यूज। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो न्यूमेरिकल्स बच गए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।